और ख्वाबों के बादशाह मंजूर वसान ने एक ख्वाब और देख लिया है। उनका कहना है कि आइंदा ईद मुख्तलिफ होगी, बड़ी कुर्बानियां होंगी। जो लोग समझते हैं कि यह मामला सिर्फ नवाज शरीफ तक महदूद होगा, वो उनकी भूल है। यह मामला और लोगों तक भी जाएगा। उनका कहना है कि नवाज शरीफ की तकलीफ में इजाफे का एहसास है। 24 जुलाई और 15 से 20 अगस्त तक कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं। ये ईद होगी, लेकिन ये ईद दूसरे बड़ी ईद से मुख्तलफ होगी। पहले बड़े ईदों पे छोटी कुर्बानियां होती थी, इस ईद पे बड़ी कुर्बानियां शुरू होंगी। और जब बड़ी शुरू होंगी तो आस्ता आस्ता जो छोटियों पे भी हम आएंगे। ये मैं कहने पे मजबूर हूँ, अगर किसी के जहन में ये है कि सिर्फ नवाज शरीफ ही है तो ये सबकी भूल है। ये सिलसिला चल पड़ेगा जिसमें बहुत से कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ेगी।